ठंड की दस्तक के साथ ही कोरोना की जो दस्तक है वो भी एक बार देखने को मिल रही है। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। रोजाना 100 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं और अगर एक्टिव संख्या की बात की जाए तो 1013 हो गई है। वहीं निमोनिया के भी कुछ मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के लिए भी जो है वो चिंता खड़ी हो गई है। लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो पनपने लगते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि एहतियात रखी जाए क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो लोगों को हो रहे हैं। ऐसे में बचाव करने की जरूरत है और जो लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी का शिकार है ऐसे में उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट का पालन करने की ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जो है सैनिटाइजेशन और मास्क पर ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि अभी जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी ऐसे में जो इन्फेक्शन है वो लगातार बढ़ने लगेगा। अगर जुलाई की बात करें जुलाई में बहुत कम केसेस आए थे लेकिन अब जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा मामले आने लगे हैं और रिकॉर्ड भी जो है वो दर्ज होने लगा है, तो ऐसे में एहतियात रखने की ज़रूरत है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोविड का सर्ज है और ये इसी तरीके से मामले जो है वो बढ़ते हैं, ऐसे में बस एहतियात रखें। कैमरामैन अपू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।